सीवान जिले के दरौंदा प्रखंड के हरसर पंचायत के नया प्राथमिक विद्यालय मीरा चौक में स्वर्गीय राम कुमारी सिन्हा के दूसरी पुण्यतिथि पर सभी छात्र छात्राओं के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। ये वितरण राम कुमारी सिन्हा के पोता शिवम कुमार के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी स्कूल होते हैं जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के बीच जब पठन पाठन सामग्री का वितरण होता है तो इससे बच्चों का हौसला बुलंद होता है और वो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं और सरकारी स्कूल में केवल गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए ये वितरण किया कि हमारे समाज के गरीब घर के बच्चे पढ़ें और गांव समाज का नाम रोशन करें। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिवजी महतो ने कहा कि अपने देश के भविष्य आजकल के बच्चे ही हैं। अगर वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो अपने देश का और मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं इस कार्य को देखकर स्कूल के प्रधानाध्यापक अर्चना कुमारी ने कहा कि ये बहुत नेक काम शिवम के द्वारा किया गया। इस दौरान स्कूल के सभी बच्चों को बैग, कॉपी, कलम, पेंसिल और बिस्किट इत्यादि चीजों को देकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर उपेंद्र सिंह, अनूप सिंह, अमित सिंह, अशीत सिंह, बलवंत सिंह, स्कूल के प्रधानाध्यापक अर्चना कुमारी, सुरेश कुमार ठाकुर, रमेश सिंह, अजय कुमार सिंह, मिपुल सिंह, मनोरंजन द्विवेदी, विक्की कुमार, विकेश कुमार, अनीश सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विद्यालय मीरा चक में के स्कूल के छात्रों के बीच में पुस्तक सामग्री का वितरण किया है, जैसे बैग हुआ, पेंसिल और छात्रों के बीच में। जी देखिए, आज मेरे दादी माँ का द्वितीय पूर्ण तिथि है। सबसे पहले दादी माँ के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, आज हम लोग पहुंचे हुए थे एक सरकारी विद्यालय में। आपको बता दें कि सरकारी विद्यालय में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, समाजसेवी जो भी होते हैं सरकारी विद्यालय में नहीं पहुंच पाते हैं। वो लोग बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल में जो भी सामान जरूरत होते हैं वहाँ वितरण करते हैं, वहाँ पे कार्य करवाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में जहाँ पे जरूरतमंद बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे उनकी जरूरत है, वहाँ पे सामग्री का वितरण नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जहाँ पे लोगों को जरूरत हो, जिस कार्य का जरूरत हो, बच्चों में खुशी बांटने की, अगर जहाँ बच्चे की जो सामान की जरूरत हो वहाँ पे जाकर हम लोग खुशी बांट सकते हैं, उस जगह पे हम लोग जाते हैं। उसी अनुसार हम पहुंचे हुए थे दरौंदा प्रखंड के हरसर में, एक मीरा चौक स्कूल है, नया प्राथमिक विद्यालय है। उसी स्कूल में पहुंचे हुए थे कि दादी के द्वितीय पूर्ण तिथि पर हमने यहाँ पे बैग, कॉपी हो गया, पेंसिल हो गया, कलम, रबर कटर, बिस्किट या कई समय से वितरण किए हुए हैं। यहाँ पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पहुंचे हुए थे, तमाम मेरे साथ कई लोग पहुंचे हुए थे। सभी से आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि अगर आपका जन्मदिन हो या आपके घर पुण्यतिथि हो, जयंती समारोह या जो भी कुछ हो, तो आप लोग उस जरूरतमंद लोगों के पास जाइए। अगर आपके पास कुछ बचा, आपको शक्ति है कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं, तब उस जरूरतमंद लोगों को जाइए और जरूरतमंद लोगों को जो भी आप लोग दे सकते हैं वहाँ पे जाकर बांटिए, ताकि उस परिवार में खुशी का माहौल कायम हो जाए।